नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। धूर्त चीन से भारत की जमीन की रक्षा करते करते देश के 20 जवान शहीद हो गए। पूरे देश ने उनकी शहादत को सलाम किया, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने में देर लगा दी। यहां तक कि यह भी नहीं लिखा कि इन जवानों ने चीन से लोहा लेते हुए शहादत दी है। इन्हीं सब बातों को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर जोरदार हमला बोला। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए बुधवार को ट्वीट किया, गलवान घाटी में सैनिकों को गंवाना बहुत परेशान करने वाला और दुखद है। भारतीय जवानों ने कर्तव्य का पालन करते हुए अदम्य साहस एवं वीरता का प्रदर्शन किया और अपनी जान न्योछावर कर दी। देश अपने सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। शहीद सैनिकों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। देश इस मुश्किल समय में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हमें भारत के वीरों की बहादुरी और साहस पर गर्व है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इसी ट्वीट को रिट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने 4 सवाल पूछे। राहुल गांधी ने पूछा, अगर ये बहुत पीड़ादायक था तो फिर आपने अपने ट्वीट में चीन का नाम क्यों नहीं लिया? दुख जताने में 2 दिन का समय क्यों लगा? जब हमारे जवान शहीद हो रहे थे तो आपने रैलियां क्यों संबोधित की? आप क्यों छिप गए? पेड मीडिया को सरकार की बजाय सेना पर आरोप लगाने क्यों दिया? राहुल गांधी चीन सीमा विवाद पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने दावा किया था कि चीन ने लद्दाख में भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया। एक तरफ राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि सरकार बताए कि इन सारी स्थिति से निपटने के लिए भारत की सोच, नीति और हल क्या है। हम विश्वास दिलाते हैं कि संकट की इस घड़ी में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हमारी सेना, सैनिकों, सैनिक परिवारों और सरकार के साथ है।